3D सीरीज के एटॉमिक रेडियाई की एटॉमिक रेडियस की। पहले तो ये समझिए कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के राउंड में शेल लगी है, इसके सेंटर से लेके न्यूक्लियस के सेंटर से लेके बाहर की शेल तक का जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब बात करते हैं 3D सीरीज की। 3D सीरीज को याद करने की ट्रिक मैंने करवा दी है। शीला थी वेरी क्रेजी मुन्नी फालतू कोनी, क्यों जी ऐसा कुछ है? ठीक है, अब इनके साइज की बात कर रहे हैं। साइज क्या होगा? साइज कुछ इस तरह चलेगा। कुछ इस तरह से देख रहे आप लोगों को, पहले साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फिर साइज क्या हो रहा है? सेम रह रहा है। और फिर साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको ग्राफ के उससे समझूं तो कुछ इस तरह से पहले साइज डिक्रीज होगा, फिर साइज सेम रहेगा और फिर साइज हल्का सा इंक्रीज होगा। स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज होता है, देन मैग्नीज टू कॉपर तक थोड़ा सेम रहता है, एंड कॉपर से जिंक तक वो इंक्रीज हो जाता है। ये साइज रहता है पहले डिक्रीज, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट इन 3D सीरीज साइज डिक्रीजेज, देन रिमेन सेम, एंड इन द एंड ऑफ द सीरीज साइज इंक्रीजेज। साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब देखिए क्या है इस बात का कि साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है या फिर साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है या फिर सेम क्यों रह रहा है। पहले बात करें साइज डिक्रीज होने की। देखिए जब मैं लेफ्ट राइट जाता हूं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, 21, 22, 23, 24 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है इक्वल किसके? इलेक्ट्रॉन के एंड प्रोटॉन के। मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 21 है, प्रोटॉन भी 21 है, ऐसे इसके पास 23 होंगे, इसके पास भी 23 होंगे, ऐसा कुछ। अब लेफ्ट राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, ये रीजन नंबर वन कर रहे हैं हम लोग पहले वाले का डिक्रीज होने का। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से प्रोटॉन बढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको क्या फील होगी? अट्रैक्शन ज्यादा फील होगी। न्यूक्लियस की साइड इलेक्ट्रॉन को क्या होने वाली है? अट्रैक्शन ज्यादा फील होने वाली है। जो अट्रैक्शन ज्यादा फील करेंगे और इसी वजह से साइज क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज कर जाएगा। ओके, ये है साइज डिक्रीज होने का रीजन। अब बात करते हैं रीजन नंबर टू। चलो ठीक है, डिक्रीज हो गया, फिर अभी सेम क्यों रह रहा है? अब देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहे हैं? पेनल्टीमेट शेल में, लास्ट से एक पहले। और होता क्या है कि जो आउटर शेल है, वैलेंस शेल जो है, वो अट्रैक्ट होना चाहते हैं न्यूक्लियस की साइड, बट जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? स्क्रीन का काम करते हैं। एक्चुअल में यहां पे क्या अराइज हो जाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट अराइज हो जाता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता ही चला जाता है जैसे जैसे अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। क्यों? वो होल ज्यादा बना लेंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फील ही नहीं होने देंगे वो। नहीं आ रही बात समझ में? देखिए कुछ ऐसा है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहे हैं तो सारी अट्रैक्शन कौन फील कर रहा है? ये वाले। और जब ये अट्रैक्शन फील करते जाएंगे यहां पे क्या रहने वाला है? यहां पे कोई अट्रैक्शन फील ही नहीं होने वाली। ये न्यूक्लियस यहां तक अट्रैक्शन अपनी भेज ही नहीं पा रहा। इन्होंने यहां पे किसका काम कर दिया? स्क्रीन का, रुकावट पैदा कर रहे हैं अट्रैक्शन के लिए। तो साइज वहीं पे क्या होने लग जाता है? वो अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं बट इन्होंने क्या कर दिया? उसको रोक दिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट राइज हो गया। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करते चले जाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड अट्रैक्शन फोर्सेस दोनों काम करते हैं और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम करते चला जाते हैं और साइज क्या रहने लग जाता है? यहां पे सेम रहने लग जाता है। नेक्स्ट इज रीजन नंबर थ्री। फिर एंड में क्या होगा? एंड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं एंड वहां पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से रिपेल करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा? यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। कुछ इस तरह से फॉलो करेगा एटॉमिक रेडियाई, डिक्रीज सेम एंड इंक्रीज, ये ऑर्डर फॉलो करने वाला है 3D सीरीज के लिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा. अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी है देन आप डिसलाइक भी कर सकते हैं. एंड बताइएगा जरूर कि हाँ सर ये कमी रह गई है. आपके कुछ भी केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट्स हैं वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. मैं बहुत जल्द उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. एंड इन सब वीडियोज को आप फुली एक्सप्लेन वे में देख सकते हैं अनअकैडमी पर. अनअकैडमी का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है. टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.